आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में पोषण माह का शुभारंभ हुआ। इस उपलक्ष्य में महिला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले से 35 कृषक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र चपलौत ने बताया कि पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुमंत्री अभिसरण मिशन है। प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार के साथ भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता पोषण अभियान का उद्देश्य है। प्रशिक्षण प्रभारी दीपा इंदौरिया ने बताया कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 से राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इसके महीने पर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य हर घर पोषण त्योहार तथा दैनिक दिनचर्या में पौष्टिक थाली शामिल करने का संदेश पहुँचाना है तथा संतुलित भोजन की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताना। पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुमंत्रीय अभिसरण मिशन है। प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार के साथ भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता पोषण अभियान का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। इस अभियान का उद्देश्य 2022 तक बच्चों में स्टंटिंग कुपोषण के कारण ऊंचाई कम होना की दर को 38% से कम करके 25% तक लाना है। इस पूरे महा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विभिन्न